हाय एवरीवन वेलकम टू बिंदास फिजिक्स और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लिजेंडर पोलिनोम के बारे में है ना तो ये बेसिकली प्रूफ करने के लिए दिया जाता है जैसे कि आप लोग को एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ माइनस वन टू वन पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो ये दे दिया जाएगा या इज इक्वल टू टू डिडेड बाई एन प्लस टू एन प्लस वन है ना और ये कंडीशन कब कब है जब m बराबर n नहीं होता है यानी m इज़ नॉट इक्वल टू n, तब इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है और जब m इज़ इक्वल टू n, तब ये जो फंक्शन आप लोगों को दिखाई पाया जाता है या पोलिनॉमल आप लोग कह सकते हो लिजेंड्रिस पोलिनॉमेल इसका जो वैल्यू होता है वो होता है टू डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन तो बेसिकली हम हमें अभी क्या करना है इस इन दोनों को प्रूफ करना है ना तो पहले हम लोग पहला केस ले लेते हैं कि एम इज़ नॉट इक्वल टू एन है ना तो लिजेंड्रिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन था क्वल टू जीरो सबसे पहले हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था चैप्टर के पहले है ना वही डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो देखिए इन दोनों को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इन दोनों को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि जब हम लोग इन दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तब यही दो फंक्शन या दो ही यही दो टर्म्स आप लोग कह सकते हो निकल के आएंगे राइट और ये तो बिल्कुल हम लोगों ने सेम रख दिया है तो इसे इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो ये जो वाई है ये क्या है एक सोल्यूसन है इस इक्वेशन का है ना सिमिलरली पी और पी भी क्या है एलिजेंड्रेस पोलिनोमियल होता है, क्या है एलिजेंड्रेस पोलिनोमियल सोल्यूशन ही तो होता है तो वाई के जगह पर हम लोग एक बार पी एन एक्स लिखेंगे और दूसरे बार हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में वाई के जगह पर पी एम एक्स लिखेंगे तो चलिए लिखते हैं है ना क्योंकि ये सॉल्यूशन है यानी कि जो y सेटिस्फाई करेंगे वो पी एन एक्स और पी एम एक्स भी कर सकता है क्योंकि पी एन एक्स और पी एम एक्स क्या है सॉल्यूशन है तो एक बार हम लोगों ने क्या किया क्या सिर्फ y के जगह पर पी एन पुट किया यहाँ पर भी पी एन पुट किया और जब हम लोग n के रेस्पेक्ट में कह रहे थे पी एन होता था है ना अगर एम के रेस्ट्रेक्ट में करेंगे तो एन के जगह पर यहाँ पर एम पुट करना पड़ेगा और साथ में वाई के जगह पर पी एम वाई जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था है ना लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि एन के जगह पर आप लोग एम पुट कर देना ठीक है ना तो अभी हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन टू को जो आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं इसे हम लोग पी एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर पी एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा होता है पी एन के जगह पर पी एम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर पी एम है तो पी एन मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों तो को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिलेंगे हम लोग को यहाँ पर पहले पी एम मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ पर पी एन मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया हम लोगों ने प्लस यहाँ पर देखिए पी एन और पी एम यहाँ पर भी पी एम और पी एन तो यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं पी एन पी एम पी एम पी एन एक ही तो है तो कॉमन ले लिया हम लोगों ने और इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया राइट अब हम लोग इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लगाएंगे माइनस वन टू वन है ना क्योंकि जो रिजल्ट है हम लोग का अंत में हम लोग को वही तो दिखाना है लिमिट है ना माइनस वन टू वन तो अभी से कर देते हैं तो इंटीग्रेट पहले कर दीजिए माइनस वन टू वन बाकी सब कुछ सेम ही है तो लेकिन यहाँ पर मैंने इंटीग्रेट कर दिया है राइट और कॉन्स्टेंट टाइम को मैंने बाहर रख दिया है अब यहाँ से हम लोग को क्या आएंगे इस पहले वाले टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो पहले पी एम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर क्या रोल लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रोल लगा सकते हैं क्या रोल लगाएंगे प्रोडक्ट रोल यू भी रोल लगाएंगे प्रोडक्ट रोल में यू भी रोल लगाएंगे तो पहले यू को छोड़ देंगे और फिर वी का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे माइनस क्या करेंगे वी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे और यू का डिफरेंशिएशन करेंगे राइट तो ये कैसा होगा यू को हम लोगों ने पी एम माना था तो इसको एक बार हम लोग छोड़ देते हैं जैसा का तैसा है ना और दूसरा वाला जो था अगर हम लोग डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन के अंदर जो कुछ भी वैल्यू होता है ना वो एज इट इज रह जाते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टा है है ना आप लोग कह सकते हो कि रेसिप्रोकल है दोनों कट जाएंगे और जो टर्म है हम लोग के पास वही एग्जैक्ट आ जाएंगे तो माइनस वन टू प्लस वन माइनस मैंने क्या कहा था जो फर्स्ट फंक्शन है यानी कि यू है इसे एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा और जो सेकंड फंक्शन है उसे फिर से हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और साथ में डीएक्स के रेस्पेक्ट में कर तो डी एक्स ही होंगे राइट right? और लिमिट लगा दिया माइनस वन टू वन ठीक उसी तरह अगर सेकेंड टर्म को करेंगे सिर्फ पी एम के जगह पर पी एन पुट कर दीजिएगा और पी एन के जगह पर पी एम बाकी सब कुछ सेम है यानी कि पी एम के जगह पर पी एन पी एन के जगह पर पी एम और यहाँ पर पी एम के जगह पर पी एन पी एन के जगह पर पी एम ठीक है ना तो और लास्ट में बिल्कुल सेम ही है हम लोग कुछ चेंज अभी तक किया नहीं है क्योंकि यही हम लोग को तो चाहिए होगा है ना पी एम पी एन डी एक्स ठीक है तो इस टर्म को हम लोग कुछ भी करेंगे नहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे राइट तो यहाँ से देखिए अगर मैं माइनस वन और प्लस वन यहाँ पर लिमिट लगा दो देखिए जब प्लस वन लगाएंगे वन माइनस वन स्क्वायर जीरो तो ज़ीरो इंटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो ठीक उसे जी माइनस वन जब यहाँ पर पुट करेंगे तब भी क्या हो जाएंगे वन ही होंगे तो वन माइनस वन फिर से जीरो यानी कि जब लिमिट माइनस वन टू वन है और इस तरीके से बन रहा है तो ये और ये ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएंगे ज़ीरो हो जाएंगे तो ये दोनों तो गया है ना यहाँ पर देखिए ये दोनों तरह बिल्कुल सेम है ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है खाली क्या है ये आगे है ये पीछे है ये आगे है ये पीछे है और यहां पर देखिए इसका साइन माइनस है और इसका साइन क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा तो एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है और अंदर का सब कुछ सेम है इंटीग्रेशन भी सेम है लिमिट भी सेम है तो ये दोनों बिल्कुल कैंसिल हो गए है ना तो हम लोग को ये मिला बचा ये अब ये वाला टर्म तो क्या नहीं हो सकता जीरो नहीं हो सकता तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएंगे हेन्स फर्स्ट रिजल्ट हम लोग का प्रूफ हो गए अब हम लोग सेकेंड रिलेशन को प्रूफ करते हैं है ना जहाँ पर एम और एन दोनों बराबर थे है ना तो जब जरूरत पड़ेंगे तब एम और एन को हम लोग बराबर प्रूट कर देंगे राइट right. तो यहाँ पर हम लोग जेनरेटिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे जैसे कि इसके अगले वाले जो प्रूफ थे है ना उस पर हम लोगों ने लिजेंड्रिस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो मेन इक्वेशन था वो लिख के हम लोगों ने सॉल्व किए थे है ना तो यहाँ पर जेनरेटिंग फंक्शन को हम लोग ले लेंगे जेनरेटिंग फंक्शन होता क्या है वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन बाई टू बहुत से लोग यहाँ पर एच के जगह पर जेड भी लिखते हैं टी भी लिखते हैं कुछ भी लिख सकते हो आप लोग है ना इज इक्वल टू समन ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइन एच टू डी पावर एंड पी एन एक्स इसका मतलब क्या है देखिए इस वाले टर्म का मतलब यह है पी नॉट एक्स प्लस एच पी वन एक्स प्लस एच स्क्वायर पी टू एक्स प्लस ऐसे चलते जाएंगे है ना जहाँ पर एच का पावर बढ़ता जाएगा और यह पी नॉट पी वन पी टू भी बढ़ता जाएगा राइट तो दोनों साइड पर स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर करने पर यह जो टू है ये यहां पर गायब हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई टू टू और टू कट जाएंगे तो माइनस वन बचेंगे और यहां पर देखिए देखिए यहां पर ये जो जो टर्म है है कि इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, उसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंटीग्रेट नहीं स्क्वायर करना पड़ेगा है ना तो यहां से आप लोग ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि मान लीजिए ए प्लस बी होल उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी यानी कि जो अंदर जो टर्म्स थे ए और बी उनका सम है ना उनका मल्टीप्लीकेशन और साथ में टू पहले तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि जो टर्म्स थे उन लोगों को हम लोगों ने स्क्वायर किया तो पी नॉट एक्स पी वन एक्स पी टू एक्स इस इन सभी को हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया है और यहाँ पर जो एच है इनको भी हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया है राइट और फिर साथ में टू इंटू ए इंटू बी यानी कि टू साथ में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना तो टू साथ में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो ए और बी हम लोगों ने माना था शायद यहाँ पर है ना और यहाँ पर एच का जो पावर है वो भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा राइट अब इन दोनों को इंटीग्रेट दोनों साइड को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू तो माइनस वन टू तो वन है ना पहले क्या कहते हैं पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं यानी कि इसको आगे लिखेंगे इसको पीछे लिखेंगे मतलब तो एक ही है क्योंकि हमने हमें क्या चाहिए इसको चाहिए होगा देखिए आप लोग देखिए फिर आप लोग समझ जाएगा इंटीग्रेट बिटवीन एक्स इक्वल टू माइनस वन टू एक्स इक्वल टू प्लस वन तो इंटीग्रेट कर दीजिए जो कॉन्स्टेंट है वो उससे बाहर रखिए जैसे कि ये समेशन वाला पार्ट कॉन्टेंट है है ना तो हम लोगों ने बाहर रख दिया है तो समेशन माइनस वन टू वन पी एन स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पर पी एन डॉट पी एम डी एक्स है ना तो यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पर गायब हो जाएंगे जैसे कि कौन सा टर्म ये वाला टर्म गायब हो जाएंगे क्योंकि पी एन डॉट पी एम डी एक्स पहले वाले थ्योरियम से हमें क्या पता था कि अगर माइनस वन टू प्लस वन है पी एन डॉट पी एम डी एक्स है और एन इज़ नॉट इक्वल टू एम जब एन इज इक्वल टू एम नहीं होता है तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पर हम लोगों ने माना था एम इज नॉट इक्वल टू एम तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है जीरो हो जाते हैं तो जीरो इज इन टू सम इज इक्वल टू जीरो तो सिर्फ तो तो ये टर्म बचा और साथ में ये है ना तो इसे इंटीग्रेट करते हैं देखिए ये माइनस वन था जब नीचे आएंगे तो ऐसे हो जाएंगे और देखिए मान लीजिए वन बाय एक्स उसे इंटीग्रेट कैसे कहते हैं लॉग वन बाय एक्स इसका वैल्यू होता है तो लॉग ये वाला वैल्यू है ना और यहाँ पर देखिए वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर और यहाँ पर जो एच के साथ कोएफ़िशिएंट था उसे हम लोग नीचे लिख दिया जैसे कि माइनस टू एक्स था और लिमिट लगा देंगे है ना लिमिट लगाने के बाद ये वाला फॉर्मूला आता है और वन माइनस टू एस प्लस एच स्क्वायर किसकी तरह बना रहा है वन माइनस एच होल स्क्वायेयर की तरह बना रहा है है ना और ये वन प्लस एच होल स्क्वायर की तरह बना रहा है और जब स्क्वायर आगे आ जाएंगे तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो टू दोनों दोनों में आएंगे तो टू को हम लोगों ने कॉमन लेके कर यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया है टू और टू कैंसिल आउट करेंगे लॉग वन माइनस एच प्लेयर वन प्लस एच बचेंगे राइट right? आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग वन प्लस एच माइनस लॉग वन माइनस क्योंकि ये माइनस जो थे इसे हम लोगों ने अंदर पुट कर दिया है राइट अब लॉग वन प्लस एच और लॉग वन माइनस एच का जो डिफरेंस होता है वो होता ही ये टू एच प्लस टू एच क्यूब बाई थ्री प्लस टू एच फाइव बाई फाइव ये आप लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा है ना आप लोग को जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन था उससे आप लोग का पता चल जाया होगा है ना तो यहाँ पर बचा क्या बचा ये बोला था साथ में टू एच डी पावर टू एन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन यानी कि इस पूरे टर्म को हम लोगों ने समीकरण के, के फॉर्म में लिख दिया है है ना तो हम लोग के पास एंड रिजल्ट जो है वो सेकेंड रिलेशन प्रूफ होके आ गए हैं तो अब है आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक के लिए जय हिंद